फिर से रिचार्ज एक बार महंगा हो गया है। कंपनी एयरटेल कंपनी वालों की अलग सी नौटंकी है, हमारी आधी कमाई तो किसी में चली जाती है। वह टेलीफोन वाला जमाना ही अच्छा था, ना थी इंटरनेट की बीमारी, रिचार्ज के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे बेरोजगारी। हाँ तो तू अपनी तरफ से कुछ करना यार। हाँ तो कहीं लपड़ा हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं मारपीट देखने में इंटरेस्ट रखता हूँ। इस रिचार्ज वाले मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? अबे धोखेबाज आदमी, फोन लगा के कस्टमर केयर वाले से पूछना है रिचार्ज इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। है तू दिमाग से पैदल, बचपन से अभी तक एक से एक बेवकूफ़ी करता आया है, पहली बार तूने कोई काम का सुझाव बताया है। हाँ तो फोन करके उधर बेइज्जती करना, मेरी क्यों इज्जत उतार रहा है। सर एयरटेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? अगर कोई आपकी हर बात पर हाँ हाँ करता है, या तो खुद बेवकूफ़ है या वो आपको समझ रहा है। इतना समझ लीजिए, अगर स्वागत कर ही दिया है तो चाय पानी की भी पूछ लीजिए। सॉरी सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? एक तो बेरोजगारी, ऊपर से पैसे की तंगी है, जब मूड में आता है तो बढ़ा देते हो रिचार्ज के दाम, यह कैसी नौटंकी है। अच्छा सर, तो आप रिचार्ज के बारे में जानना चाहते हैं? हीरो बनने का सपना तो लोग कहते हैं पागल है, हम रिचार्ज के बारे में नहीं, रिचार्ज क्यों महंगा हो रहा है इसके बारे में जानना चाहते हैं। सॉरी सर, आपको कोई और हेल्प चाहिए तो बताएं। कोई ज़्यादा मजबूर हो ज़्यादा ना सोचें, हाथ बढ़ा दीजिए, इतना ही मदद करना चाहते हो, 84 दिन का रिचार्ज ही करा दीजिए। खुद का रिचार्ज खुद ही करना पड़ता है, प्लीज़ आप टाइम पास ना करें। अबे तो डिस्काउंट कराने के लिए बोलना। जिसे ज़्यादा पैसों घमंड हो उसे चुनाव लड़ा दीजिए, रिचार्ज नहीं करा सकते तो डिस्काउंट ही करा दीजिए। सॉरी सर, डिस्काउंट वगैरह का काम हमारे हाथ में नहीं होता। रिचार्ज करा नहीं सकती, डिस्काउंट हो नहीं सकता, तो ये फ़ोन की लत लगाकर हमें चने के झाड़ पर चढ़ाता कौन है? अरे हम बर्बादी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये रिचार्ज के दाम बढ़ाता कौन है? सर ये सब कंपनी के सीईओ के हाथ में होता है, हम लोग तो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। कहीं पर दूर दूर तक कुत्ता कौवा नहीं दिखता, कहीं पर सड़क जाम है, ये सीईओ किस गधे का नाम है? सर सीईओ किसी गधे का नाम नहीं है, सीईओ कंपनी के मालिक को समझ लीजिए। तो कंपनी के मालिक से बात कराने की बोल। कहीं पर क्लासरूम में बच्चा गेंद खेल रहा है, कहीं पर बच्चे का पेपर लीक है, हमारा ही हाथ बढ़ाएं, और कुछ नहीं कर सकते हो तो मालिक से ही बात करा। सॉरी सर, कंपनी के मालिक किसी से बात नहीं करते। किसी के लिए समुद्र भी छोटा पड़ जाता है, किसी के लिए नाला भी गहरा है, आपका मालिक क्या गूंगा बहरा है? सर कहने का क्या मतलब है, कंपनी की समस्याओं के लिए हम हैं, सीईओ इतनी छोटी छोटी बात पर बात करेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी। सुबह उठते हैं, प्लान एक्सपायर सुनकर रिचार्ज कैसे होगा यही सोचते सोचते हो जाती रात है, करोड़ों लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ है, आप कहते हैं छोटी सी बात है। सर आपकी बात सही है, लेकिन हम इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। जहाँ जाता हूँ काम बिगाड़ देता हूँ, दोस्त बोलते हैं तुम कम मखत हो, इतना नहीं कर सकती हो क्या, कंपनी वालों से फ्री में पैसे लेती हो। सर कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पको, हैसियत है तो आप मोबाइल रखो या फिर फ़ोन रखो। अरे ये तो हमारी बेइज्जती कर रही है। छोड़ देंगे इंटरनेट चलाना, चैन की नींद लेंगे, हैसियत की बात मत करो, पूरी कंपनी खरीद लेंगे। महीने पहले 10 रुपये की चाय पी थी ना, इधर दिख मत जाना, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। अरे सच में रिचार्ज बड़ा महंगा हो गया है। अरे रिचार्ज तो मेरा भी ख़त्म।